चलो। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अच्छे हो सभी? और PT2 के एग्जाम भी अच्छे से लिखे सबने? अच्छे से लिखे होंगे ना। अब क्या करेंगे, अभी वापस से कौन से एग्जाम आएंगे? PT2 के बाद TUM2 के एग्जाम है ना, तो TUM2 के लिए भी हमको तैयारी करनी है। तो TUM2 के लिए हमने ये जो हिंदी में कराया ना, हमने कौन सा लेसन था? कक्षा 3 विषय हिंदी में पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। जो ये लेसन तो मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया, एक्सप्लेन भी हमने इसको कर लिया, पाठ पढ़ाया ना सबने, एक्सप्लेनेशन भी इसका कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज और इसका PDF जो है वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। अभी हम इसका पाठ का मैं थोड़ा सा आपको सारांश बता देती हूँ कि आपको पता होगा इस पाठ में क्या था, कि जो 3 भाई थे देख रहे हैं ना, वो तीनों भाई अपने घर की तलाश में निकले थे है ना। और उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक भाई को आम का पेड़ दिखा था, उसको आम का पेड़ पसंद आया, तो वहाँ पे आम के पेड़ के नीचे उसने अपना घर बना लिया। वो पहले पता नहीं कहाँ रहते थे बेचारे, इस टाइम रहते होंगे घर पर, तो वो अपने घर की तलाश में निकले थे। फिर दूसरा भाई वो आगे जाके गए थे, तो एक ने आम के पेड़ के नीचे घर बनाया तो वो वहीं रह गया, फिर दूसरा केले के पेड़ के नीचे उसने अपना घर बनाया, तो उसको केले का पेड़ पसंद आया तो वो वहाँ पे बन गया। फिर तीसरे भाई ने, ये देखो दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे उसने अपना घर बना लिया, तो केले के पेड़ के नीचे उसने अपना स्थान बना लिया। वो आगे चले दोनों, एक अकेला रह गया था, तो वो आगे चला, तो तीसरे भाई ने कहा बनाया, नारियल के पेड़ के नीचे। अब ये देखो तीसरा भाई वो कहाँ पे बैठा, नारियल के पेड़ के नीचे। ओके, इस तरह से उन्होंने तीनों ने अपना रहने का स्थान ढूंढ लिया, अपना घर वहाँ अपनी झोपड़ी बना लिया। टेक्स्ट की बेटा टेक्स्ट की एक्सरसाइज हम करते हैं, आप लोगों ने भी आई हूँ टेक्स्ट निकाली होगी और पेंसिल भी साथ में निकाली होगी। अब नेक्स्ट लेते हैं इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ओके, अब ये है जरा सोचो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? अब किस मौसम में निकले थे बोलो? गर्मी के मौसम में, यहाँ पे निकले थे हम गर्मी के मौसम में निकले थे ना, वो गर्मी के मौसम में। ओके, अब मैं तुम्हें कैसे पता चला, हमको कैसे पता चला, क्योंकि वो लोग ऐसे जब रास्ते में जा रहे थे तो आम का पेड़ दिखा था, तो आम का पेड़ कब होता है, आम कब निकल होते हैं, गर्मी के मौसम में होते हैं ना, तो हमें इस तरह से अंदाजा लगाया हमने कि शायद वो गर्मी का मौसम होगा। ओके, अब है कौन सा महीना था, कौन सा महीना होता है गर्मी का, जैसे जून होता है, जुलाई होता है ना, तो जून होगा या जुलाई होगा, इस समय तो गर्मियाँ होती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, मार्च जून जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई है ना, इस तरह से। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद जून जुलाई का महीना होगा। ओके, फिर घर की तलाश में निकलने से पहले भी कहाँ रहते होंगे, अब ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा ही रूप से जब बेचारे कहाँ रहते होंगे, हमको इसका हम अंदाजा से कह सकते हैं कि वो कहीं भी अपना आश्रम मतलब अपना घर बना के कहीं भी रह रहे होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है कैसे चुनोगी इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? केले के पत्ते का, केले के पेड़ के पत्ते का, केले के पत्ते का। ओके, अब नेक्स्ट है बारिश में भीगते समय छाते की तरह किसको लेंगे? उसको भी हम केले के पत्ते के पेड़, इसको भी हम केले का जो पत्ता होगा उसको लेंगे, केले का पत्ता, उससे हम सिर्फ ऐसे निकलेंगे तो उससे बारिश से हम बच जाएंगे। फिर सीटी बजाने के लिए आम का पत्ता, आम के पेड़ का पत्ता, आम के पेड़ का पत्ता। ओके, आम के पेड़ से के पत्ते से हम सीटी बजाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए तो जो फूल आते हैं ना अच्छे केसर के जो फूल होते हैं उससे हम रंग बना सकते हैं, केसर के फूल इससे हम रंग बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाली एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं हम पहले से यहाँ पे। अब है
तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे, तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे। अब ये इनको बेटा अपने आप दिखता है, क्योंकि ये आपको अपने आप ही, किसी को क्या चीज़ पसंद होती है, किसी को कौन सा पेड़ पसंद होता है, इसीलिए आपको ये अपने आप सोच के लिखना है कि मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी, या मैं चेरी का पेड़ लगाऊंगी, नारियल का लगाऊंगी, या कोई और पौधा लगाऊंगी, पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि वो आपको लिखना है कि इससे मुझे फल मिलेंगे, या मुझे अच्छी इसकी खुशबू मिलेगी, मुझे ये फल अच्छे लगते हैं, या ये पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। इस तरह से ये हमको अपने आप समझ के लिखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं 1, 2, 7। अब नेक्स्ट है पहचानो और बुलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ बातें दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ, पत्ती पहचान पा रही है तो उसका नाम भी लिख दो। अब लंबी पत्ती जो यहाँ पे क्या पत्तियाँ दिखाई दे रही है, और डेली हम उसे इसमें 4-3-4 पत्तियाँ दिखाई दे रही है, एक ये रही, ये रही, और एक ये रही, और एक ये रही, ये गोल पत्ती है। अब हम उसको मैच करके देखना है, लंबी पत्ती पत्ती जो आगे से रुकी हुई तो कौन सी पत्ती है इसमें, ये वाली। तो उसके बाद है नीचे से गोल आगे जाकर रुकी हो जाती है वो पत्ती, ये वाली पत्ती है ना। उसके बाद है जिसके किनारे लहरेदार हो, तो ये कहा है ये वाली पत्ती। देखो लहरदार है, ऐसे लहर दिखाई दे रही है, तो ये हमको अपने आप देख के मैच करना है। ओके, फिर गोल पत्ती कौन सी है, गोल पत्ती ऊपर हमने देखी है, ये गोल पत्ती है। तो इस तरह से हमको अपने आप मैच करना है कि लंबी पत्ती, लंबी पतली पत्ती कौन सी है जो आगे से रुकी हुई हो, वो ये दिख रही है हमको। फिर गोल आगे जाकर रुकी हो जाती है, वो ये दिख रही है। जिसके किनारे लहरेदार हो, वो अभी पीछे देखी थी ना हमने, वो वाली पत्ती। ओके, अब ये आपको अपने आप करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे, आओ बने खोजू, मतलब रबड़ के पेड़ की छाल पर कीड़ा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को, पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकला है, आप पत्तों को सुखा कर छिपकाओ, जिनसे दूधिया रस निकलाओ और जो चिकनी होती है जिन पत्तियों की रसें हो गई हो। ये हमको क्या कहता है, अपनी नोटबुक पे पत्तियों को सुखा के और उनको चिपकाना है ना, अपनी पत्तों की एक्टिविटी जैसे होता है ना कि पत्तियाँ हमको कैसे भी कोई भी पत्ती ले ली है उसको हमको सुखा देनी है और फिर उसको अपनी टेक्स्ट बुक नोटबुक में हमको चिपका रहा है। ओके, अब है कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो लिखो इनके नाम ये क्यों है। अब हमको यहाँ पे लिखना है, जैसे हम मंजन को मांजते हैं तो उसको हम मंजन कहते हैं। अब ये जो नाम दे रखे उनको ये नाम क्यों कहते हैं। अब दातु है तो इस दातु नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि इससे हम दांत साफ करते हैं, क्योंकि हम दांत साफ करते हैं, दांत साफ करते हैं। ओके, तो ये हो गया दांत। अगर हम जिससे दांत साफ करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, दांत। इस तरह से छलनी, छलनी से क्या करते हैं, छलनी से हम कोई भी चीज, कोई भी चीज छानते हैं, छानते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, छलनी। किसी भी चीज को हम छाने के लिए या छानते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, छलनी। फिर है मथनी, इससे हम क्या करते हैं, दूध दही को मथते हैं ना, दूध या दही को मथने के काम देते हैं ना, उसको हम मथनी बोलेंगे ना, मथते हैं, मथते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मथनी। ओके, तो ये हो गया धातु, क्योंकि हम दांत साफ करते हैं इसको बोलेंगे धातु। फिर छलनी, कोई भी चीज छानते हैं उसको छलनी। फिर मथनी, दूध या दही को मथते हैं उसको मथनी। ओके, हम नेक्स्ट नीचे देखते हैं बेटा, इसमें इसको मैं रखना देती हूँ नीचे देखती हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 128 पे। अब इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है वो हमको यहाँ पे लिखना है। अभी चित्र में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये रबड़ है जो हम इरेजर बोलते हैं ना, आप लोग पेंसिल नोटबुक पे लिखते हो फिर उसको रफ करते हो जब कोई चीज गलत हो जाती है, तो ये रबड़, ये गुब्बारा, ये रस्सी, ये चटाई, और ये सूप होता है जो हम अनाज वगैरह छानते हैं ना, वो
लकड़ी जैसी है, तो हमको इसलिए किस चीजों से ओके अभी हम देखिए इसको पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है। जैसे कि ये रबड़ है और ये रस्सी है, वो चटाई है, ये गुब्बारा है, ये सूप है और वो तो लकड़ी है। ओके तो अब ये है रबड़ है तो किससे बनेगा, जो इरेजर होता है वो रबड़ से और गुब्बारा वो भी रबड़ से और रस्सी नारियल के रेशों से और ये धागों से। चटाई किससे बनाते हैं? धागों से, धागों से जो धागे होते हैं, धागों के रेशे होते हैं उनसे हम चटाई बनाते हैं और ये बांस की लकड़ियों से, जो बांस होती है ना उसकी लकड़ियों से, बांस की लकड़ियों से। ओके लकड़ियों से ओके और ये तो लकड़ी है, ये नारियल के रेशों से, धागों से, रबड़ से और बांस की लकड़ियों से। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सही जगह पे निशान लगाना है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे नहीं रखना है, तुलना करो सही जगह पर सही का निशान लगाओ। अब कहेंगे सही सबसे घना क्या होता है, सबसे घना पेड़ कौन सा है? आम का। सबसे घना पेड़ कौन सा है? आम का। तो हम यहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे निशान? आम के पेड़ सबसे घना आम, यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। फिर सबसे ऊंचा कौन सा पेड़ होता है? नारियल का, तो यहाँ राइट का। चढ़ने में सबसे आसान कौन सा होता है? नारियल का। इसके हम फटाफट लोग बस चढ़ जाते हैं ना नारियल के पेड़ पे। फिर है सबसे मोटा तना, किसका होता है मोटा तना? आम का होता है। सबसे बड़े पत्ते, सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं? केले, इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं ना केले के। फिर है सबसे मीठा फल, सबसे मीठा फल कौन सा होता है? केला और आम का होते हैं ना। फिर है फल, फल खाना सबसे आसान, आसान भी कौन सा होता है? आम का होता है, केले का होता है, क्योंकि नारियल तो थोड़ा टाइट होता है ना, तो हमसे आम को खाने में थोड़ी मुश्किल, वो मतलब दांतों से खाया नहीं जाता, वो टाइट होता है ना। और आम तो फटाफट सब तो गर्मियों में खाते हैं ना, आम आम भी खाते हैं और केला तो हर सीजन में आता है, ये फल हम सब लोग खाते हैं। ओके अब नेक्स्ट है कुछ और फलों के नाम लिख लो, गुठली वाले और बिना गुठली वाले। अब गुठली वाले तो कौन कौन से फल होते हैं, सब लोग जानते हैं, आम तो होता ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आम हुआ और जामुन, जामुन हुआ, जामुन होता है ना, जामुन सब लोग जानते हैं ना, गर्मियों में होते हैं कई बार, जामुन हुआ और गुठली का कौन सा फल होता है और जिसमें गुठली होती है? जामुन, आम और बेर, जो हम बेर खाते हैं वो भी गुठली वाला फल होता है, होते हैं उसमें गुठली आती है। और बिना गुठली वाले तो बहुत सारे फल होते हैं, जैसे केला हुआ बिना गुठली वाला है ना, संतरा हुआ जिसमें कोई गुठली नहीं होती ना, संतरा हुआ और लीची हुई और भी और पपीता हुआ, ये बिना गुठली वाले फल हैं। ओके इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे गुठली वाले और बिना गुठली वाले। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम इसकी। नेक्स्ट में है अब मैं यहाँ पे बताओ किन फलों के छिलकों के साथ नहीं खा सकते, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं, किन फलों को छिलके छिलकों के साथ नहीं खा सकते? तो आम को नहीं खा सकते, केले को नहीं खा सकते, पपीता को नहीं खा सकते है ना, अनार को नहीं खा सकते, ये तो आप अपने आप लिख सकते हो ना। आपको मालूम ना छिलकों के साथ कौन से फल खा सकते हैं और कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो हर मौसम में कौन कौन सा फल मिलता है, जैसे केला हुआ, पपीता हुआ, केला, पपीता, अनार, ओके और अनार हुआ और भी कई फल होते हैं, जैसे नारियल हुआ, ये फल ही आता है ना, ये भी हर मौसम में मिलता है, नारियल हुआ। ओके इस तरह से हम अपने आप ही देख के इसको लिख सकते हैं कि
केला पपीता अनार नारियल ये हर मौसम में मिलते हैं, ये हम कभी भी ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। ओके बेटा, आज हमने सिर्फ टेक्निक की एक्सरसाइज करी और ये हमको टम्पू के लिए भी तैयार करना है ना। अभी आप लोगों ने PTQ का एग्जाम दे दिया, अब टम्पू के लिए हमको तैयारी करनी है ना। आप लोग भी अच्छे से इसको पढ़ के अभ्यास करना और अच्छे से अच्छे हैंडराइटिंग में लिख लिख के इसको याद करना, टेक्स्ट बुक में भी इसको कंप्लीट कर लेना। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका PDF करेंगे, अभी मैंने इसकी PDF नहीं कराई है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी PDF करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और थैंक यू बेटा।